हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेडीज स्कॉट्स। आज जो आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, ये कुछ अलग सा है, अलग रहा है ना। यूजुअली जो मेरे दो बैकग्राउंड होते हैं, पहला बैकग्राउंड तो आप देख रहे होंगे, ये कर्टन लगे हुए पीछे और सेम लैम्प और सेम ट्री को यूज़ कर रहा हूँ। दूसरे वाले बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो आपने देखा होगा वाइट बैकग्राउंड के पीछे मैंने ये फ्रेम बना रखी है। तो ये दो बैकग्राउंड आपने देखे, पर इस पर बहुत सारे वीडियोज़ क्रिएट करे तो मुझे लगा थोड़ा बोरिंग हो रहा है, कुछ अलग करता हूँ। और अलग करने की सोच ही रहा था कि तभी मैंने एक वीडियो बनाया, जो टेक्निकल गुरुजी है उन्होंने वीडियो बनाया था कि स्कैम गुरु है, तो उस पर रिएक्शन देते हुए मैंने एक वीडियो बनाया। वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप भी देख लीजिएगा। पर मुझे उनके वीडियो से एक आइडिया मिला है, और उनका बैकग्राउंड बड़ा प्यारा है और हर बार इतने वाइब्रेंट कलर के बैकग्राउंड वो लेके आते हैं। तो फिर मैंने मेरी टीम से पूछा यार कि ये कैसे पॉसिबल है। तो पहले तो मुझे लगा कि इन्होंने दीवार को ऐसा ऑरेंज कलर करवा के रखा है, बट फिर मेरी टीम ने थोड़ा सा उसको देखा और फिर मुझे बताया कि ये एक्चुअल में पेपर है, रोलिंग पेपर टाइप का पेपर है। और मैंने तब भी भरोसा नहीं हुआ, फिर उसने मुझे, रोहित भाई ने मुझे प्रूफ दिया कि देखो ऊपर वो एक वीडियो दिखाया, उसके अंदर वाकई में उस वीडियो में दिख रहा है कि पीछे रोलिंग पेपर लगे हुए हैं। तो बेसिकली आप जो ये मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ना, ये एक रोलिंग पेपर है। कौन सा पेपर है, कैसे लगाया है और किस तरीके से इसका सेटअप किया हुआ है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो में अभी तो अच्छी क्वालिटी दिख रही है, बट अब क्योंकि लाइटिंग मिसमैच होगी, चीज़ें मिसमैच होगी तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो अभी इस क्वालिटी से, इस बैकग्राउंड से आप ऐसी क्वालिटी जनरेट कर सकते हो, इसलिए मैंने वीडियो यहाँ से शुरू करा। अब मैं रोहित भाई को बोलता हूँ कि कैमरा उठाओ और हम शुरू हो जाते हैं पूरे इस बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करना। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, रोहित भाई थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोई वॉयल पेंटिंग नहीं है, ये एक सीमलेस पेपर बोलते हैं इसको। ये जो पेपर है ये अलग अलग कलर्स में आते हैं। मैं साइड में इसका मेन्यू लगा देता हूँ कि कौन कौन से कलर्स अवेलेबल होते हैं। और इस पेपर को अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो बेसिकली ये पूरा एक बड़ा सा रोल आता है ना। तो इस रोल की साइज कितनी होती है, ये 9 फिट चौड़ा होता है। अब क्योंकि ये हमारी वॉल जो थी 7 फिट की ही थी, तो हमने इसको कटवा लिया। बट जो कटा हुआ आइटम है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ दो पेपर लगाए हुए हैं, और ये जो पेपर है देखिएगा इसकी क्वालिटी, आप देखिएगा रोहित थोड़ा पास करिएगा। ये देखो, ये सिंपल सा ऐसा पेपर आता है, ये थोड़ा स्ट्रांग रहता है, मतलब इतने आसानी से फटता नहीं है ये पेपर। तो ऐसे ये पेपर का रोल आता है, और ये जो चौड़ाई में होता है ना, ये चौड़ाई में होता है लगभग मान के चलो आप 36 फिट। तो मतलब ऐसे कम से कम 3 बैकड्रॉप आपके ख़राब हो जाएंगे। मतलब अगर अभी ये ख़राब होगा तो मैं इसको रोल करके नीचे ले आऊँगा और फिर से ये नया बैकग्राउंड मेरा ख़राब, मतलब ये लंबा चल जाएगा, है ना। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। साइड में वीडियो देख रहे होंगे आप, जहाँ पर मॉडल बैठे हुए और फोटोग्राफर फोटो ले रहे, तो बेसिकली इसका यूज़ वो है। अच्छा, ये नॉर्मल बैकग्राउंड से अलग क्यों है, क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा एक भी सल इस पर नहीं दिख रहा होगा, है ना, एक भी सल नहीं था इस पर। तो यही इसकी ब्यूटी थी कि सल नहीं बढ़ता एक भी। अब मैं आपको बताऊँ, इसको लाना एक बात हो गई कि आप मंगवा लोगे तो ऐसे लंबे लंबे 9 फिट के रोल आ जाते हैं ऐसे वाले, है ना। बट इसके साथ में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हैंग करने के लिए, जिसे चेन पुली कहते हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, ये चेन पुली है पूरा। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर मैं इसको ऐसे ऊपर खींचूंगा, मैं आपको खींच के भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर मैंने एक प्लाई का टुकड़ा रख रखा है, और मेरे जो डंबल्स की प्लेट है वो रख रखी है। अब जैसे मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं इस पुली में, एक मैंने एक ऑरेंज पेपर लिया, एक ग्रे पेपर लिया, और यहाँ पे मैं कोई भी एक कलर का पेपर वो ले सकता हूँ। अब जैसे मुझे इस ऑरेंज पेपर को ऊपर चढ़ाना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको ऐसे खींचूंगा तो ये ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। ये देखिएगा, ये ऊपर पूरा ऐसा खींचा जाएगा, पूरा ये ऑटोमेटिकली पूरा प्रॉपर रोल हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ये पेपर ऐसे रोल होना शुरू हो गया। तो ये पुली भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ में जब आप वीडियो क्रिएट करते हो तो वाकई में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। ये इतने वैरायटी ऑफ कलर में मिलता है। हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये 5,500 रुपये का बैकग्राउंड का एक रोल मिलता है, है ना, और उसके साथ में ये 6,000-7,000 रुपये की ये पुली मिलती है। तो ये बैकग्राउंड एक्चुअल में बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आप जितने बड़े क्रिएटर्स को ऐसे वाइब्रेंट कलर्स में देखते हैं, तो वो कोई वॉल पेंटिंग बहुत कम होती है,
मोस्ट ऑफ केस में इस टाइप के पेपर्स ही होते हैं। तो मैंने ये पेपर लगवाया, और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका स्टूडियो बनाऊं और आपके स्टूडियो में एक्सपर्ट इनपुट दूं, तो डेफिनेटली आप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमने एक लैंप लगा के रखा हुआ है, और सेम यहाँ पर मैंने गोडेक्स की एक लाइट लगा रखी है जो RGB लाइट है, अलग अलग कलर देती है, इम्पैक्ट देती है। तो ये है, और ये पौधे की बात करूँ तो ये आर्टिफिशियल पौधा है, एंड नॉर्मली मैं एक ही साइड से लाइट देता हूँ, जो कि ये बड़ी सी लाइट है मेरी गोडेक्स की। तो यहाँ पर जब मैं बैठा होता हूँ तो मैं लाइटिंग यहाँ से देता हूँ। अब देखिए, ये जो बैकग्राउंड आप जो देख रहे हो ना, ये तो छोटा दिख रहा है आपको, 7 फीट का बैकग्राउंड है, क्योंकि इतना पाइप और इतना रोल, ये देख रहे हो ना, इतना पाइप और इतना रोल इसमें से काट दिया गया है, क्योंकि हमारे पास में जो साइज थी वॉल की वो कम थी। तो अगर आपका स्टूडियो बड़ा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लॉन्ग वे में इसको कर सकते हो। तो ये था जो मुझे आपको बैकग्राउंड के बारे में बताना था। यूजुअली सर्च करने पर भी नहीं मिलता कि नॉर्मली बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुंचा होगा। अगर आप 10,000-12,000 रुपये 15,000 रुपये खर्च करने में इंटरेस्टेड हो, तो मुझे लगता है कि इस टाइप का प्रॉपर बैकग्राउंड आपको बना लेना चाहिए और अपने वीडियो को और भी ब्यूटीफाई करना चाहिए। रेस्ट आप अगर यूट्यूब पे है ही और आप एक टीचर है या क्रिएटर है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस नॉट ओनली स्टूडियो सेटअप पर, बहुत सारे आपके कोर्सेज से रिलेटेड, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। एक बार आप जाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मेरे रिमेनिंग दूसरे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।